as far as corruption is concerned rahul gandhi is much better faced than narendra modi but the legacy jo rahul gandhi carry kar raha hai wo corruption ki legacy carry kar raha hai matlab uski jo image hai wo image कांग्रेस की corruption की image को मिटा नहीं पा रहा है हालांकि राहुल गांधी की जो जो clean image है उस clean image को कांग्रेस की करप्शन की फेस जो है वो चढ़ाई जा रही है और इसलिए मोदी के सामने करप्शन के मुद्दे पर मोदी ज स्टेप है एक स्टेप आगे है और राहुल गांधी एक स्टेप पीछे है आप एक थर्ड फ्रंट नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी पार्टियों को लेकर के एक थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश में है ऐसा आपने आह्वान किया है लेकिन आज के वक्त में थर्ड फ्रंट बनाना और ये सोचना किस ज़मीन से आता है क्या वजह है कि आज आप थर्ड फ्रंट बनाने की बात कर रहे हैं और उसका भविष्य क्या हो सकता है ये ऑल्टरनेट फ्रंट या सेक्युलर फ्रंट आना जरूरी है ऐसा मैं मान के चलता हूँ क्योंकि बीजेपी से जो अपेक्षा थी उस अपेक्षा की भंग हो रही है कांग्रेस ने जिस तरह से 2014 के पहले करप्शन किया हुआ है वो लोगों के दिमाग से गया नहीं है तो वहाँ भी एक रेजिस्टेंस है तो उस रेजिस्टेंस को अगर वे आउट नहीं मिलता है तो एवरी चांसेस है कि वो बीजेपी के पास जाए पंजाब दो फ्रंट था एक अकाली दल लेड फ्रंट एंड द अदर इज़ कांग्रेस लेट फ्रंट आप मैं समझता हूँ कि अकाली अकाली दल जो है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट जाने की सोच रहे अनाउंस नहीं किया लेकिन मूव चल रही है वो मूव अगर फोर्टिफिकेशन करनी है तो उनको किसी न किसी का तो भी साथ लेना ज़रूरी है अगर वो साथ लेते तो वो ट्रायंगुलर हो गया तो ये जो बात है उसमें ये बातें मेरे हिसाब से जो है वो लोगों के दिमाग में पहले ही अगर जाती है तो आज जो एक माहौल बना हुआ है आ, कि बीजेपी को लड़ना है तो वन टू वन होना चाहिए ऐसी जो परिस्थिति है वो मैं समझता हूँ परिस्थिति नहीं है ऐसा मैं मान के चलता हूँ